क्या लगता है कितना फर्क है शाहरुख खान और कन्हैया की भाषा में? देखिए, किसी की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, एक। दूसरा ये कि हर एक व्यक्ति हो या संस्था हो, उसको एक मर्यादा के साथ रहना चाहिए और अपने उन उच्च मानकों और मापदंडों को अपने जीवन में उतारना चाहिए जो वहाँ की मर्यादा को बनाए रख सकें और उसके संस्थापकों की भावनाओं का सम्मान कर सकें। जहाँ तक मामला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का है, वहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण कि वहाँ के कुछ शिक्षक भी इन गतिविधियों में लिप्त हैं, ये उससे भी बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है।